असल वरम वर्कम्दल रबलमिन वसलासला रसूलम वसबीही अजमैन व अशद वरीक व अशद महमदर नाजरन आई प्लस दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तवाल है इस प्रोग्राम में हम नाजरन की तरफ से मौसू होने वाले सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो आपका सवाल बामकसद हो उसका ताल्लुक अमल से हो इबादत से हो और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप के सवालत हम तक आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचें तो नाजरन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं आज हमारे पास सवाल की जो फहरिस्त है सबसे पहले है एक सवाल वीडियो में उसको देखते हैं असलकुम वरम वरक हज़रत मेरा एक सवाल है मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है मेरी नाक हमेशा बंद रहती है और नाक से पानी बहता रहता है और खांसी भी आती रहती है मैं कहीं क्लिनिक और हॉस्पिटल में बता चुका हूँ कहीं भी टैबलेट देते हैं वगैरह कम हो जाता है दो दिन या चार दिन के लिए फिर वही नाक बंद पानी बेहता रहता है तो कुरानी तौर में इसका कोई इलाज हो तो बता दे तो ये तो नवाजिश होगी असल ये हमारे एक भाई साहब हैं ये कहते हैं मुझको एलर्जी है नाक से पानी बहता रहता है और दायमी इसके मरीज हैं बहुत इलाज कर चुके हैं इसका कोई इलाज नहीं हो रहा तो पूछ रहे हैं कि कोई कुरानी इलाज हो तो बताएं तो देखिए किताब सुन्नत में दुआएं आपको मिलेगी ऐसा कोई इलाज तो नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद बीमारियों का कुछ मेडिकल इलाज भी बताया है जैसे किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साबी से कहा था उनका पेट ख़राब था कि शहद खाओ तो इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन ख़ास आपके मसले में या ये कि तमाम मसले में अल्लाह के नबी सल वन ने कोई दवा तजवीज़ की हो ऐसा नहीं मिलता रही दुआ की तो दुआएँ जनरल दुआएँ हैं अलग अलग, अलग, अलग अल्फाज में कुछ ख़ास दुआएँ भी हैं ख़ास बीमारी में यह दुआ यह जिक्र पढ़ना चाहिए लेकिन ये जो मसला आपने बताया है इसके ताल्लुक़ से ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई मेडिकल तजवीज़ या कोई दवा बताई गई हो इसका मुझे इल्म है और ना ही कोई ख़ास दुआ या जिक्र हो वारिद हो उसका मुझे कोई इल्म है इसलिए आपको हम ये मशवरा दे सकते हैं कि आप जो है अमूमी तौर पर जो दुआएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं अल्लाह तला से दुआ करें और मेडिकल इलाज जारी रखें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की हदीस से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो ये और बात है कि डॉक्टर वहाँ तक पहुँच ना सकें लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये एतक़ाद और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी नाजिल की है साथ में उसकी शिफा भी नाजिल की है अब कोई उस शिफा तक पहुँच जाता है कोई नहीं पहुँच पाता लेकिन बगैर शिफा की कोई बीमारी नाजिल नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि किसी मरज की कोई बीमारी ना हो लोगों के इल्म में नहीं है या डॉक्टर के इल्म में नहीं है और आपको कोशिश करते रहना चाहिए बाकी ख़ास अगर आप ये चाहते हैं कि आप ही के मसले में आप ही की बीमारी से मुतलिक कोई दुआ या कोई जिक्र ऐसा कुछ हो तो ऐसा हमारे इल्म में नहीं है हाँ आम जो दुआएँ हैं वो आप पढ़ सकते हैं दुआ पर लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं मुस्लिम बहुत मशहूर किताब है उसको लें और जितनी भी दुआएँ हैं असकार हैं बीमारियों से मुतलिक उनको आप पढ़िए अल्लाह तला से दुआ कीजिए हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको शफा दे और मेडिकल जो इलाज है उसकी खोज उसकी तलाश में आप अपनी मेहनत अपनी कोशिश जारी रखें और अल्लाह ताला से उम्मीद करें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको शफा देगा उससे दुआ करते रहें हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब ने आपको शफा या भी अत्याफ़ फ़ुमाएगा उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास कुछ सवाल हैं ऑडियो में उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असलकम वरहलि वरक जनाब मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लो हम किसी मुसलमान से पानी मांगते हैं और हम पानी पी लेते हैं उसके बाद हम जजाकल्ला कहते हैं ताकि उस मुसलमान को भी उसका षवाब मिल जाए लेकिन अगर अगर यही पानी हम किसी गैर मुसलमान से मांगे और पानी हम पी लें तो क्या हम जजाकल्ला कह सकते हैं क्योंकि वो गैर मुस्लिम है तो क्या हम जजाकल्ला कह सकते हैं या नहीं बस यही मेरा सवाल है एक भाई ने सवाल किया है कि भाई हम किसी मुसलमान से पानी मांगते हैं तो वो अगर देता है तो हम उसको कहते हैं जजाक ल ख़ैरा जजाक खैरा ये एक दुआ जुमला है इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला अता फरमाए यानी आपने मेरा जो एक काम किया है इसके बदले में अल्लाह तब आपको खैर अता फरमाए ये इस जुमले का मतलब होता है कोई मुसलमान हमारे साथ कोई अच्छा काम करता है तो हम ये रिप्लाई करते हैं जजाक अल्लाु ख़ैरा यानी अल्लाह तौला आपका भला करे ये जुमला बोलते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे साथ कुछ अच्छा करे तो हम उसे बोल सकते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बोल सकते हैं उसे कह सकते हैं जजाक खैरा और ख़ैर से मुराद ज़ाहिर है कि उसके लिए खैर की बात ही हो सकती है कि वो ईमान ले आए तोहद पर आ जाए और इस्लाम में दाखिल हो जाए ये उसके लिए खैर की बात होगी तो कोई गैर मुस्लिम भी अगर अच्छा सलूक करता है आपके साथ तो बिल्कुल हम उसके साथ जजाक खैरा कह सकते हैं और क़ुरान मजीद की आयत है सूर साठ आयत आठ अल्लाह फरमाता है ला अल्लाहु लाहाकुमल्लादीनक़ातिलकम फिद्दीन वलम मिन व युख रिजुकम तबरम तुखसत हबल अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि वो गैर मुस्लिम जिन्होंने तुम्हारे साथ क़िताल नहीं किया है मज़हब के नाम पर तुमसे लाई नहीं ली है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो उनके साथ नेकी करो अल्लाह ताला तुम्हें इससे नहीं रोकता तो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम हमारा दुश्मन नहीं है जो गैर मुस्लिम हमारी जान का दुश्मन नहीं है हमें मारता नहीं है हमें हमारे घरों से नहीं निकालता है उस गैर मुस्लिम के साथ अगर हम अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे नहीं रोकता है और अगर हम इंसाफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला इसको पसंद करता है तो गैर मुस्लिम के साथ भी हमें अच्छा सलूक करना चाहिए उसके साथ भी इंसाफ़ करना चाहिए तो अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक कर रहा है तो हम उसे भी दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला इसे खैर अता फ़रमाए अब उसके हक़ हाँ में सबसे बड़ी खैर ही हो सकती है कि वह ईमान ले आए इस्लाम में दाखिल हो जाए उसके बाद ख़ैर के और दरवाजे उसके लिए खुलेंगे तो गैर मुस्लिम भी अगर हमारे साथ कोई अच्छा कर सकता है तो हम उसे भी जजाकल्लु ख़ैरा कह सकते हैं ये एक तरह की दुआ है और ये तकरीबन तमाम लोग कहते रहते हैं अलग अलग अंदाज में हमारे यहाँ एक जुमला ये मशहूर रहता ना अल्लाह तुम्हारा भला करे ऊपर वाला आपका भला करे तो उसी को हम अरबी में कहते हैं जजाक अल्लाह ख़ैरा तो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हमारे साथ अच्छा सलूक करता है हम उसके लिए ये दुआ दे सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे मौाक़े हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम के लिए दुआओं की तालीम मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे सलाम के बारे में है कि अगर गैर मुस्लिम सलाम करता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं कम से कम इस बात पर तो सबका इतफ़ाक़ है कि वाल अलैकुम कहना है लेकिन याद रहे कि अगर सामने वाला अस्सलाम वालेकुम बहुत ही क्लियर अंदाज़ में करता है और हम कहते हैं वल सेम टू यू तो इसका मतलब ये कि उसी दुआ को हम उस पर पलटा रहे हैं अगर वो कहता है हमसे अस्सलाम अल्लाम वरमि वर्काता इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से सलामती अल्लाह ताला की रहमतें तुम पर नाजिल हो और हम जब कहेंगे व अलैकुम तो मतलब ये होगा कि अल्लाह की तरफ से सलामती अल्लाह की तरफ से रहमत ये तुम पर तो नाजिल हो अब इसका मतलब उसके हक़ में यही हो सकता है कि उसको अल्लाह ताला ईमान की तौफीक दे इस्लाम की तौफीक दे ईमान अकीदा यही उसके लिए सलामती होगी तो यहाँ पर भी एक मिसाल मिलती है कि हम गैर मुस्लिम को दुआ दे रहे होते हैं बल्कि मसलन शेख अल्वानी रहन ला ने तो कहा है कि अगर नॉन मुस्लिम वाज लफ्ज़ में सलाम कर रहा है अल्लाम आलकम नहीं कहता अलैक् वरहि वबरक अगर वाज अंदाज में गैर मुस्लिम सलाम करता है तो हमें जवाब वाज अंदाज में देना चाहिए वालेकुम वालेकाम वरहल वबरक वैसे कहना चाहिए शेख अलबानी रम ने इसलिए सही हमें जगह इसकी इस पर बड़ी तफसील से बहस की है इसके अलावा सुनन अबी दाऊद वगैरह की रवायत थी कि गैर मुस्लिम अगर छींकता है तो कहना चाहिए यह हदीकमल अल्लाह तुम्हें हिदायत दे तो वहाँ पर भी दुआ की बात है तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहां इस्लाम ने गैर मुस्लिम को भी दुआ करने की तालीम दी है तो ऐसे ही अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक कर रहा है तो जैसे हम मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भला करे जजाक अल्लाह खैरा ऐसे अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हमें उससे भी कहना चाहिए अल्लाह तुम्हारा भला करे इसमें कोई मसला नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं बरकता मेरा एक दोस्त है जो कर्ज़दार भी है और जकत का हकदार भी रखता है वो खुद हमसे कहता है कि आप जक़ात अगर निकालो तो मुझे दे देना और मेरा कर्जा भी बाकी है वो तो क्या ऐसी सूरत में दोस्त से इजाज़त ले लें हम कि भाई आप जो भी मेरा कर्ज़ा बाकी हो हम जो भी जकत निकालेंगे जितना भी होगा हम आपके कर्जे में काट देंगे उसका और उसका इजाज़त भी हो कि हाँ अगर वो इजाज़त दे दे कि हाँ ठीक है आप जो है कर्ज के रूप जक़ात निकाल दीजिए जितना भी निकले मेरा कर्जे में आप उसको काट दीजिए तो आपका कर्जा भी अदा हो जाएगा आपका जक़ात भी अदा हो जाएगा तो ऐसी सूरत में क्या ये दुरुस्त होगा जजाक जजातल एक भाई साहब का सवाल है कहते हैं कि इनका कोई दोस्त है जो कर्ज बाकी इनसे पैसा लेके रखा है और वो जक़ात का मुस्तक भी है और ये साहब जक़ात निकालने वाले हैं इनके माल में जक़ात निकल रही है तो ये चाहते हैं कि हम अपने उस दोस्त से इजाजत तलब करें कि हम आपको जक़ात देना चाहते हैं लेकिन शक्ल ये होगी कि मेरा पैसा जो तुम्हारे पास है जो पैसा तुम बाकी हो उसी पैसे में जकवात काट लेता हूँ मिसाल के तौर तो पर आप दस हज़ार रुपया बाकी हो दस हज़ार रुपया आपको मुझे अदा करना है तो दस हज़ार की ज़क़त मैं जो निकाला हूं, उसमें आपकी तरफ़ से रख लेता हूँ तो क्या यह दुरुस्त है कि तो जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ये बहुत ही गलत तरीका अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार बार लोग इस तरह के सवालत करते हैं बार बार वजात की जाती है गोया कि वो ये चाहते हैं कि इस पर अमल करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतअअन इसकी गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं आपकी ज़क़़त अदा नहीं होगी आपकी ज़क़त क़तन अदा नहीं होगी गरचे वो इजाज़त दे दे और ये कह दे कि मैं आपका जो पैसा बाकी हूँ आप अपनी तरफ़ से ज़क़़त निकालते हैं उसमें काट लीजिए यानी मेरे लिए ज़क़त निकाल के फिर उसको मेरी तरफ़ से रख लीजिए तो ऐसा अगर वो इजाज़त भी दे, दे देता है तो भी ग़लत नाजायज़ आपकी ज़क़त बिल्कुल नहीं होगी ये बात आप याद रखें कि ज़कात में असल आपकी जिम्मेदारी है कि माल को निकाल के दे देना अता करना को देना आप खुद उसमें तसरुफ नहीं कर सकते हैं आप खुद उसमें तसरुफ नहीं कर सकते जो मुस्तक है उसको जक़ात दें और वो शख्स उसमें तसरु करेगा उसको दें वो तसरुफ करेगा अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते और एक दूसरी बात यह है कि जो शख्स मुस्तक है जक़ात का तो उसके पास जरूरियात भी कई हैं बहुत ज्यादा हैं आपको सिर्फ एक चीज दिख रहा है कि यह जक़त का मुस्तक है मेरा दस हजार बाकी है हो सकता है किसी का बीस हजार बाकी हो हो सकता है अपने रूम का किराया ना दिया हो हो सकता है लाइट का बिल पानी का बिल बाकी हो हो सकता है उसके बच्चों की फीस बाकी हो हो सकता है उसे इलाज की जरूरत हो उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत हो सकती है राशन की जरूरत हो बहुत सारी चीजों की जरूरत हो सकती है तो आपने जक़ात देने के बाद खुद अपना कर्ज काट लिया ये हक आपको किसने दिया जक़ात का मतलब यह है कि एक फकीर को मिस्कीन को रकम दे दें उसके हवाले कर दें अब उसकी मर्जी उसकी मर्जी कि वो शख्स अपनी मर्जी से जहां चाहे इस्तेमाल करे अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो यह आम सदका हो जाएगा यह फर्ज जक़ात नहीं होगी आम सदका हो जाएगा या तो तोहफा या सदका के लीजिए उसको हो जाएगा लेकिन ये फर्ज फर्ज़ात जो आपके कंधे पर लाजिम है ये साकी नहीं होगी ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा तो कोई शख्स किसी को पैसा देती हुई उसको पाबंद करता है कि यहीं पे खर्च करना या इस तरह से कोई उससे वादा लेता है या वो मजबूर है उसका कोई फायदा उठाता है तो फिर ये फर्ज जक़ात नहीं हो सकती ये नफिल जक़ात कह लें हदिया कह लें तोहफा कह लें यह सब चलेगा इसमें सवाब भी मिलेगा लेकिन वो जो फ़र्ज़क़त है वो अदा नहीं होगी इसलिए कि मिसकीन और गरीब ये उसकी मर्जी चलनी चाहिए अगर उसे जकवात मिली है तो हम तभी कहेंगे कि उसको जकवात मिली है जब वो अपनी मर्जी उस पर चला सके अगर उसकी मनमानी नहीं चलती उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है तो किस बात का आपने उसको पैसा दिया आपने उसको दिया ही नहीं इसको मिसाल से समझना हो तो यूं समझें यानी मर्जी ना चलने वाली बात कि अगर किसी ऑफिस में किसी कंपनी में बॉस है वो अपने यहां काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाह देता है अब कोई बाकी था पैसा तो ये क्या कहता है ये कहता है कि जो है हम तुम्हारा पैसा जो है काट लेते हैं तो अगर वो पैसा काट लेता है तो ये देखिए कि वो पूरी आजादी के साथ उस पर तसरफ नहीं कर सका अगर ये पैसा उसके पास चला जाता तो जरूरी नहीं है कि ये पैसा कटाता हो सकता है कोई और अहम जरूरत होती वहां वो इस्तेमाल कर लेता तो ये फर्क होता है कि एक आदमी के अपने हाथ में जब आ जाता है पैसा तो वो जहां चाहता है इस्तेमाल करता है और जब एक आदमी जो है पाबंदी लगा देता है तो वो दबाव में आता है तो वो गर्ज़े हाँ कर लेता है वो मान लेता है आपके साथ एग्री करता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी दूसरी ज़रूरियात नहीं है इसलिए कभी अपने जहन में ये बात मत लाइए कि अगर सामने वाला जक़ात का होते ही हमारा पैसा बाकी है तो हम जक़ात में काट लेते हैं नहीं आप पैसा उठा के उसको दे दें उसको देने के बाद उसके हाल पे छोड़ दें कि वो आपका पैसा अदा करता है या कहीं और अदा करता है। हो सकता है आपका पैसा लिए भी एक साल हुआ हो लेकिन किसी का और दस हजार लिया है और चार साल से बाकी है Alberto. तो अगर उसे आजादी दी जाए और उसे कर्जा ही अदा करना हो किसी और जगह खर्च नहीं करना है दवा इलाज वगैरह में कर्जा ही अदा करना है तो बताइए तो जिसका चार साल से बाकी उसका है उसका अदा करेगा क्या आपका अदा करेगा जिसका आपसे लिए हुए सिर्फ एक साल हुआ है इसलिए हम जो है मजबूर ना करें किसी को जक़त दे रहे हैं ना उसको तंग ना करें उसको सताए ना उसका हक ना छीने तो खुलासा ये कि ऐसा आप करेंगे तो आपकी जक्त बिल्कुल नहीं होगी आप गरीब को पैसा दे दीजिए मुस्तक को पैसा दे दीजिए उसके हाल पे छोड़ दीजिए जहाँ उसे ठीक लगता है वहां वो खर्च करेगा उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकम वरहतल वरके से हैं शेख शेख जो दो रिवायतें मैंने आपको सेंड किया है ये हमारे एक साथी हैं शेख वो कुछ दिनों से चाय नहीं पी रहे हैं तो सवाल किया तो दलील के तौर पर उन्होंने दो हदीसें पेश की मुझे और एक आलिम साहब से दरिया करके ही उन्होंने मुझे सेंड किया है और शेख समझाए उनको कि गरम खाना था, खाना ठंडा करो क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं है इस रिवायत से इस्तलाल किए हैं तो मुझे समझ में आई नहीं शेख बातें तो वो चाय से परहेज़ कर रहे हैं क्या चाय इस हदीस के ज़िमन में आती है ये हमारे एक भाई साहब हैं इन्होंने कुछ रवायतें भेजी हैं जिनका खुलासा ही है रवायात का कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए तो कहते हैं कि इन रवायात को बुनियाद बना के इनका कोई साथी हो कहता मैं तो चाय नहीं पीऊंगा चाय तो गर्म रहती है तो हम चाय जो है क्यों पियेंगे जबकि हदीस में है कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए जो देखिए हदीसें सही हैं लेकिन हदीस का मतलब ये है कि जो खाना है जो गजा है जो गर्म करके तैयार किया जाता है लेकिन उसको ठंडा करके खाया जाता है तो उसके ताल्लुसे अदी से है। कि बिल्कुल अभी तैयार हुआ है तो आप उसको उस शक्ल में ना खाएं ठंडा हो जाने दें उसके बाद आराम से खाएं लेकिन ये चाय ये अलग किस्म की मशरूब है ये गर्म ही पी जाती है यानी ये उसी शक्ल में पिया जाता है तो इसलिए जो गर्म चाय है गर्म ही पी जाती है तो उसको उसी अंदाज़ में पिया जाएगा उस पर इन हदीसों को फिट नहीं किया जाएगा ये सवाल बहुत सारे उलमा के सामने रखा गया है तकरीबन सारे उलमा ने यही कहा है कि चाय इन हदीसों के मफह में शामिल नहीं है बल्कि इन हदीसों से मुराद वह ताम है वह खाना है जो पकाया जाता है और पकाने के बाद मकसूद उसको गर्म खाना नहीं होता गर्म करके यानी बिल्कुल गर्मा गर्म खाना मकसूद नहीं होता है कि अभी खोल रहा है अभी बिल्कुल तप रहा है और निकाल के खा लें उस तरह उसको नहीं खाया जाता बल्कि ठंडा ही खाया जाता है उसको तो उन खानों के बारे में ये रहनमाई की गई है कि ठंडा हो जाने में थोड़ा इंतज़ार करें लेकिन चाय का मामला यह है कि उसे गर्म करके ही पिया जाता है अगर चाय ठंडी हो जाए तो फिर वो चाय नहीं रह जाएगी वो एक अलग मशरूब हो जाएगी बल्कि कुछ लोग तो अलग तरीके से ठंडी चाय भी बनाते हैं उसकी एक अलग शक्ल होती है भाई साहब को मशवरा दें कि अगर इनको गर्म चाय नहीं पीना है किसी तरह का कोई तहफ़ है तो जाके वो ठंडी वाली जो चाय मिलती तो है उसको जाके पिए कोई मसला नहीं है उनका मसाल हो जाएगा तो बहरहाल शरीय एतबार से तो हम ये नहीं कह सकते कि आप गर्म चाय नहीं पी सकते गर्म चाय उन अीत के मफहम में शामिल नहीं क्योंकि ये एक अलग तरह का मशरूब है जो गर्म करके ही पिया जाता है उसी शक्ल में पिया तो उसकी शक्ल ही यही है उसकी हयात ही वही है और हदीस बात कर रही है उन खानों के तलुक़ से जिसको पकाने के लिए गर्म किया जाता है ना कि इसलिए गर्म किया जाता है कि गर्म करके ही उसको उसी हालत में खाना है नहीं तो ये जो चाय वाला मसला है ये थोड़ा अलग है तो उन हदीस के मफहम में शामिल नहीं है और असल क्या है देखिए खाने पीने के बारे में असल जवाज है दुनिया के बहुत सारे इलाकों में अलग अलग किस्म के मशरूब होते हैं अलग अलग किस्म के खाने होते हैं तो चाय तो पहले नहीं थी ये तो बाद में इसकी याद हुई है तो इसको बनाने का पीने का जो एक अंदाज है उसके खिलाफ कोई बात कुरान हदीस में नहीं मिलती इसलिए ये चीज़ जायज़ है इसी हालत में भी पी सकते हैं कोई मसला नहीं एक अलग चाय होती है जो ठंडी ही बनाई जाती है उसका अलग तरीका होता है वो ठंडी हालत में ही पी जाती है वो लगता है लेकिन ये जो आम तौर से लोग चाय पीते हैं ये गर्म हालत में पी जाती है उसके पीने का तरीका ही वही है उसका टेस्ट ही उसी में है इसलिए चाय पी सकते हैं कोई मसला नहीं है अब भाई साहब को अगर नहीं तसली तो मत पिए हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए कि आप जो है चाय पीजिए लेकिन अगर वो नहीं पीना चाहते हैं मत पिए लेकिन दूसरों पर पतवाने लगाएँ कि जो लोग चाय पी रहे हैं वो गलत कर रहे हैं हदीस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जैद बादशाह है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो मेरा सवाल है कि मेरे किसी किसी इलाके में कोई मर्द जानवर के साथ जिदा किया है तो कोई कहता है कि जानवर को जिंदा दफना देना चाहिए कोई कहता है कि और कुछ तो इसके लिए इस्लाम में क्या हुक्म दिया है? ये भाई साहब है इनका सवाल यह कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ बदकारी करता है उसके साथ जनाकारी करता है तो उसकी क्या सज़ा है इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने जिक्र किया है कि उस शख्स को जिसने ऐसा काम किया है उसको सजा दी जाएगी और उस जानवर को कत्ल कर दिया जाएगा या किसी ने कहा जला दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा तो इस बारे में क्या मसला है तो देखें ये जो आपने कहा है कि किसी ने कहा है कि जानवर को मार दिया जाएगा तो इसके बारे में एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लाम फ़रमाते हैं कि मन वजह तुम्ह वही फ़क्लूल्बही मत कि जिस शख़्स को भी पाओ कि वो किसी जानवर के साथ बदकारी कर रहा है तो उस शख़्स को कतल कर दो और साथ में जो जानवर है उसे भी कत्ल कर दो तो ये हदीस है इस हदीस की सेहत में इख्तिलाफ़ है तो जो अहिल इस हदीस को सही करार देते हैं वो यही कहते हैं कि उसको जानवर को कत्ल कर दिया जाएगा अलबत्त जो जानवर के साथ गलत काम करने वाला इंसान है उसके कत्ल की बात नहीं कहते क्योंकि यह हदीस अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ी अला से मरवी है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अला ही से एक दूसरी रवायत मरवी है वो कहते हैं मन अत वही मतन खला हद्दी कि जो किसी जानवर के साथ बदकारी करता उस पर कोई हद नहीं है ये अब्दुल्ल इबन अब्बास रजियउन से मरवी है और ये जो कत्ल करने वाली बात है जानी को भी वो जो सनद है उसकी वो कमज़ोर है इसलिए इसको कुछ अहल इलम तरजीह देते हैं और कहते हैं कि देखो जानवर को तो कत्ल करेंगे लेकिन जो बदकारी करने वाला शख्स है उसे कत्ल नहीं करेंगे दूसरी तरफ कुछ अहल इलम है वो कहते हैं कि नहीं ये हदीस सही नहीं है इसलिए जो बदकारी करने वाला शख्स है चूंकि उसने गलत काम किया है बदकारी किया इसलिए उसको हाकिम वक्त जो मुनासिब समझेगा सज़ा देगा उसको मुनासिब सज़ा दी जाएगी और जो जानवर का मसला है इसके लिए कोई सजा नहीं है यानी जानवर को छोड़ दिया जाएगा ऐसा नहीं कि जानवर को भी कत्ल किया जाएगा तो जानवर को कत्ल करने वाली बात नहीं मानते हैं उसको कहते हैं कि हाँ उसको कोई सज़ा दी जाए लेकिन जानवर को कत्ल कर दिया जाए ये बात वो नहीं मानते हैं क्योंकि इस रवायत की सेहत पर उनको इतमान नहीं है हमारी नज़र में भी यही बात दुरुस्त मालूम होती है इस रवायत की सेहत पर हमें भी अभी तक इतनान नहीं है ये और बात है कि इसमें और भी तहकीक करने की ज़रूरत है यह कोई फाइनल हमारा फैसला नहीं है लेकिन अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है इस रवायत की सेहत पर इतमान नहीं हो रहा है इसलिए फ़िलहाल हम इसी बात को मुनासिब समझते हैं कि अगर कोई किसी जानवर के साथ बदकारी करता है तो हाकमें वक्त उसे कोई मुनासिब सज़ा देगा लेकिन जानवर के लिए कोई सज़ा हो ऐसा हदीस में नहीं मिलता है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा नाजरन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें उनके जवाब मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवालत हमको वीडियो और ऑडियो में वसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज पर हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो किसी को उस पर अमल की जरूरत हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँच जाए नाजरिन आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालत हैं उनको देखते हैं अस्सलाम वालेकुम शेख मेरा एक सवाल है बहू शहर में रहती थी और सास जो है गांव में रहती थी जब गांव में ठंडी पड़ी तो सास ने सोचा कि शहर चले जाते हैं दो बहु रहती किसी के पास रुक जाएंगे एक दो महीना तीन महीना तो एक बड़ी वाली दो बहू रहती थी तो एक बड़ी एक मजली तो बड़ी वाली के पास छोटा घर था और मजली वाली के पास थोड़ा बड़ा घर था और मजली वाली जो है ना उनके हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते थे वो आउट ऑफ रहते थे तो मजली वाली बहू ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मेरे घर पर नहीं आ सकते और सास रोने लगी और उनके हस्बैंड को भी ये बात नहीं पता कि मतलब मेरी माँ को मना किए घर पे आने से तो शेख थोड़ा दीन की रोशनी में वजाहत कीजिए कि ये सब जो बहू की है साथ, सास के साथ तो किस हद तक गलत है थोड़ा दीन की रोशनी वजाहत कीजिए जजाखुल्ला खैर ये हमारे एक भाई साहब हैं ये पूछ ये रहे हैं कि किसी औरत की जो है बहू यानी उनके बेटे की बीवी ये शहर में रहती है जैसे कि होता है कि बहुत सारे लड़के जो कमाने खाने के लायक होते हैं कहीं सर्विस करते हैं जॉब करते हैं तो अपनी बीवी को लेकर शहर में रहते हैं जबकि वालदेन गाँव में रहते हैं ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि घर गाँव में होता है लेकिन कमाने खाने के लिए शहर में आ गए जैसे मुंबई में कितने लोग हैं बहुत सारे लोग हैं बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो यहाँ रह रहे हैं और उनके माँ बाप गाँव पे हैं लेकिन कभी दिक्कत होती है माँ बाप को वहाँ कोई और देखभाल करने वाला नहीं होता है तो माँ या बाप वो दोनों अपने बेटे के पास आते हैं और जाहिर सी बात है कि जब बेटा है तो वहीं पे आएंगे तो भाई साहब का सवाल ये है कि गांव में एक सास है यानी एक औरत है गांव में रहने वाली है और उसके तीन बहू शहर में रहती है बड़ी वाली मझली छोटी तो ये जो सास है वो इनमें से किसी एक के पास आना चाहती है किसी वजह से लेकिन कोई मझली बहू है उसने इनकार कर दिया कहा तुम मेरे पास नहीं आ सकती है तो भाई साहब सवाल कर रहे हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या हुक्म है तो देखिए इस मसले में हकीकत में सही जवाब देने के लिए यह जानना जरूरी है दोनों तरफ का मामला कि असल सच्चाई क्या है अफसोस के साथ करना पड़ता है कि इस तरह के निजायी मसले में लोग यक तरफा बात किसी आलिम के पास रख लेते हैं और फिर वो उसी को देखते हुए जवाब दे देता है जबकि ऐसा नहीं होता है तो ये जो सास के बारे में कहा गया है कि वहां आना चाहती थी उसने इनकार कर दिया इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है क्या हकीकत है क्या वाकई उसने इनकार किया है या वाकई इसने कुछ कहा है तो कुछ पता नहीं है आपने बस एक बात कही है इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह और बात सच्ची भी हो तो मुकम्मल सच है कि नहीं वो भी पता नहीं इसलिए हम सबसे पहले तो ये मशवरा देंगे कि इस तरह के सवालत वहाँ पेश किए जाएँ उलमा के सामने पेश किए जाएँ जो हकीकत हाल से वाकिफ़ हैं जो इस फैमिली को जानते हैं ताकि वो सही जवाब दे सकें और हम जैसे लोगों के पास इस तरह के मसले आते हैं तो हमारा तो तजर्बा ये है कि अक्सर जवाब से फितना ही होता है जब जवाब दिया जाता है महदूद मालूम को लेकर तो अक्सर फितना होता है अक्सर फितना होता है इसलिए हम यहाँ पर कुछ उसूली बातें आपसे कहेंगे इसको आप अपने केस पे मत फिट कीजिए उसूली बात कहेंगे कि अगर वाकई कोई औरत जिसको आप सास कह रहे हैं वाकई वो परेशान है उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है और वो अपने बेटे के पास जाना चाहती ये उसका हक है और बेटे का ये फर्ज होगा कि अपनी माँ की देखभाल करे वो जाना चाहती है वो अपने बेटों में से किसी के पास भी जाना चाहती है वो जा सकती है अगर बेटा उस लायक है बेटा भी अगर अपाहिज है कुछ नहीं कर सकता है मजबूर है वो भूखा है किसी लायक नहीं है तो अलग मसला है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है भीख मांग रहा है अलग मसला है लेकिन अगर बेटा ठीक ठाक है कमा खा रहा है तो वो जाना चाहती है बेटे के घर घर से बेटा अपने घर पे ना हो बहू हो लेकिन वो वहां जाना चाहती है तो जा सकती है इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं इसमें कोई भी राय नहीं इसकी दलील में कुरान की बहुत सारी आयत बहुत सारी अहदीस पेश कर सकते हैं ख़ासतौर से सही बुखारी की वो हदीस देखें कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन उनके अब्बा की वफात हुई तो उन्होंने अपनी बहनों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अपनी बीवी को दे दिया और उन्हीं की खातिर बड़ी उम्र की लड़की से शादी किया था सही बुखारी के अभी से जाबिर रजी अल्लाह रज ने जब शादी की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर क्या तुमने कुंवारी लड़की से शादी की है या मुअम्मर बड़ी औरत से शादी की है जिसकी पहले शादी हो चुकी हो तो जाबिर रजी अल्लाह रज ने कहा कि मैंने सईबा से शादी की है यानी बूढ़ी औरत से बड़ी उम्र की औरत से शादी की है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल्ला बिकरन कि तुम्हें तो बाकरा से शादी करनी चाहिए तुम जवान हो और जाबिर रजी अल्लाह अल्ला पैसे के हिसाब से उस वक्त अच्छी हालत में नहीं थे तो ऐसा लगता था कि वो मुश्किल से एक शादी कर पाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये हालत है एक ही शादी अभी करनी है तो कम से कम ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी उम्र की होती तुम तो उसके साथ खेलते हो तुम्हारे साथ खेलती तो जाबिर रजी अल्लाह ने ये जवाब दिया कि अः अल्लाह के नबी सभी अभी का तीस बनाच मेरे वाली साहब ने नौ बेटियाँ छोड़ी हैं जो मेरी नौ बहने हैं तो मैं अगर किसी कुंवारी लड़की से शादी कर लेता और उन्हें भी लाकर इन्हीं के साथ रख देता तो ये होता कि मेरी बीवी भी मेरी बहनों जैसी हो जाती तो उनकी देखभाल नहीं करती तो इसलिए मैंने एक मम्मर खातून से शादी की है ताकि ये मेरी बहनों की देखभाल कर सके उन्हें नहलाए धुलाए कंगी करे तालीम दे दूसरे अल्फाज में कह लें कि मेरी बहनों के लिए एक माँ का रोल अदा करें। तो सहाब रसूल जाबिर रजी अल्लाह ने जब ये जवाब दिया तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया बुखारी के अल्फाज है जाबिर रजिय आपने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया तो जरा इस हदीस में गौर करें सही बुखारी की हदीसें कि साहब रसूल जाबिर रजिय ने अपनी बीवी को अपनी बहनों की खिदमत पर लगा दिया माँ तो जाने दीजिए माँ का मकाम तो बहन से भी बड़ा होता है अपनी बहन वो भी नौ बहन नौ बहन की खिदमत पर लगा दिया और उन्हीं की खिदमत ही के लिए बड़ी उम्र की औरत को मुंतखब करके शादी किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मकसद देखा कि इस मकसद के तहत बड़ी उम्र की लड़की से शादी की गई है तो जाबिर रज़ी की तइद फरमाई कहा असब था बहुत अच्छा किया तुमने तो ये दलील है कि एक शख्स अपनी बीवी से अपने रिश्तेदारों की भी खिदमत ले सकता है अगर वो रिश्तेदार उसके जिम्मा हो हमें नहीं कहते कि अल्लाक एक शोहर जो है जिसके चाहे सर पे डाल दे अपनी बीवी जाए फला की खिदमत करे फला की खिदमत करे ऐसा नहीं लेकिन जिसकी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आ जाए जैसे बाप मर गया हो बहने कहाँ जाएंगी शौहर ही पाले पोसेगा तो शौहर का वो काम है तो जब शौहर का वो काम है तो अपने काम के लिए अपनी बीवी को भी ले सकता है क्योंकि बीवी की खिदमत लेना यह शौर का हक हाँ है खास तौर से उमूर खाना में तो अगर एक शख्स अपनी बहनों की देखभाल के लिए अपनी बीवी की खिदमत ले सकता है तो अपनी माँ की देखभाल के लिए बदरजे औला अपनी बीवी को मामूर कर सकता है तो अगर ऐसा मसला है कि उस माँ को देखने वाला कोई नहीं है वो अपने बहू के पास जाना चाहती है और शौहर इसकी इजाजत देता है शौहर उस पर रजामंदी जाहिर करता है तो फिर बीवी को नहीं भगाना चाहिए था बीवी उसके खिलाफ नहीं जा सकती बीवी को तो शौहर की अतात करनी चाहिए और उसकी माँ की देखभाल करनी चाहिए और यहाँ पर इस मसले की वजाहत भी बहुत ज़रूरी है जिससे लामी की बिना पर बहुत सारी औरतें ये जरूरत करती हैं कि अपने शौहर की माँ के साथ बुरा सलूक करती हैं या शौहर की बहनों के साथ बुरा सलूक करती हैं हर बीवी को ये जान लेना चाहिए कि उसके ऊपर जो खर्च आता है शोहर जो उसके अखराज उठाता है बीवी के अखराजा वो महदूद अखराज हैं लिमिटेड हैं अनलिमिटेड नहीं कि शोहर जितना कमा रहा है सब बीवी का है तो बीवियों का मसला ये होता है कि वो ये गलत फहमी पाल कर रखी हैं कि शोहर जो कुछ कमाता है वो सब हमारा है और ये गलत फहमी सिर्फ बीवी के नहीं पूरे समाज की है आज देखते हैं कि अपनी लड़की की शादी का निगल्स होते हैं ऐसे लड़के से शादी करें जिसके बाद बहुत पैसा हो बुद्ध कमाने वाला हो जहनीयत क्या होती है कि ये जो कुछ कमा रहा है सब इससे शादी कर देंगे तो इस लड़की का हो जाएगा ये गलत है एक शख्स जिसने शादी किया है तो उसकी कमाई उसकी अपनी कमाई है उसकी बीवी की नहीं है ना जिंदगी में ना जिंदगी के बाद अगर एक आदमी जिंदा है और उसकी माँ है बहन है और बीवी है तो बीवी को कितना देना है कुरान ने बिल्कुल ही नाप तोड़ के बता दिया महदूद लिमिटेड बीवी के खाने पीने का इंतजाम करेगा उसके कपड़ा पहनने ओढ़ने का इंतजाम करेगा उसकी रहाइश का इंतजाम करेगा और एक चौथी चीज़ जिसे आज केमा ने फाइनल किया है कि अगर वो बीमार होती है तो उसका इलाज भी कराएगा बस इसके आगे कुछ नहीं ऐसा नहीं कि ज़मीन जायदाद भी लिखाना उसकी जिम्मेदारी है कोई लिखा दे तो उसकी मर्जी है गिफ्ट कर दे कर सकता है लेकिन ये कि उसकी जिम्मेदारी हो कि उसको फ्लैट खरीद के दे घर उसके नाम करे ये करे वो करे ये सब शौहर का काम नहीं है शौहर का काम सिर्फ चार है उसके लिए खाने पाने का इंतजाम करे उसके लिए रहने का इंतजाम करे उसके लिए कपड़े का इंतजाम करे इलाज का इंतजाम करे बस इसके आगे बीवी के लिए कोई और खर्चा शौहर के ऊपर नहीं है लेकिन शोहर की माँ है शौहर की बहन है तो इनके लिए शौहर जो चाहे कर सकता है बल्कि बाज हालात में तो इन पर इनके अखराज तो वाजिब है यानी अगर माँ माँ के खाने का इंतजाम इसको करना है माँ के पहनने का इंतजाम तो करना ही है रहने का इंतजाम तो करना है बीमार होती है तो उसके इलाज का इंतजाम इसको करना है इस पर पूरी दुनिया का इतफाक है बीवी के बारे में तो इख्त भी है बीवी बीमार होती है तो इलाज कराएगा या बीवी का बाप इलाज कराएगा उसका भाई इलाज कराएगा इस बारे में उलमा का अख्तलाफ है हम तो यही कहते हैं कि शौर्य इलाज कराएगा लेकिन बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बीवी बीमार होगी तो मैके वाले उसका इलाज कराएंगे शौर उसका जिम्मेदार नहीं है ये कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं लेकिन अगर माँ बीमार होती है तो बेटा इलाज कराएगा इस पर तो पूरी दुनिया का इतफाक है यानी बाप नहीं है और बेटा है तो बेटा इलाज कराएगा इस पर तो पूरी दुनिया कहते ऐसे ही बहन है उसके आगे पीछे कोई नहीं है भाई है उसका भाई उसकी सारी देखभाल करेगा तो दुनिया में इनके ऊपर जो खर्च कर रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है कोई ऐसा हदबंदी एक बेटा अपनी माँ को कितना देगा ऐसा शरीयत में कुछ बताया नहीं गया कितना देगा बहन को जितना चाहे दे सकता माँ को जितना चाहे दे दे बहन को जितना चाहे दे दे वहां कोई हदबंदी नहीं है बीवी के बारे में है ये ये चीज देना है और माँ बहन के बारे में तो कुछ भी नहीं है माँ बहन भाई जितना चाहे दे दे उनको और सिला रहमी का तकाजा देना भी चाहिए अगर एक आदमी अच्छा खासा कमाता है तो अपनी माँ को देना चाहिए अपनी बहन को देना चाहिए अपने भाई को देना चाहिए खूनी रिश्तेदार हैं ब्लड रिलेशन है इनका और सिला रहमी की सारी अहादीस इन्हीं पर शादी करती है तो जितना चाहे वो दे सकता है तो ये समझना चाहिए एक औरत को कि अपने शौहर के माल में उसका जितना हक है उससे कहीं ज़्यादा हक दूसरों का है जिंदगी में भी और मरने के बाद भी ये तो मैं जिंदगी की बात कर रहा था मरने के बाद देखिए आप अगर एक आदमी मर गया उसके मरने के बाद उसकी बीवी है और उसकी बीवी है और मां है और मान लीजिए कि एक आदमी चार करोड़ छोड़ के मरा एक आदमी मर जाता है और चार करोड़ छोड़ के मरता है चार करोड़ और उसके पीछे क्या है उसकी बीवी उसकी मां बाकी कोई भी नहीं है जवील आराम में से भी कोई नहीं है कोई नहीं सिर्फ बीवी और मां है और प्रॉपर्टी चार करोड़ है ये कैसे बढ़ेगा आपको पता बच्चे नहीं कोई नहीं है मां बाप भी नहीं है बच्चे भी नहीं है जवीला आराम में भी कोई नहीं है कुछ भी नहीं सिर्फ दो ही लोग मां और बीवी तो उसकी जो चार करोड़ की प्रॉपर्टी है इसमें से एक करोड़ उसकी बीवी को मिलेगा बाकी तीन करोड़ उसकी मां को मिलेगा ये मरने के बाद विरासत का सिस्टम है तो जो औरत अपने शौहर के घर से उसकी मां को भगाती है उसको अच्छी तरह यह बात समझा देनी चाहिए कि अगर शौहर मरेगा चार करोड़ छोड़ के औलाद नहीं है तो बीवी का हिस्सा एक करोड़ होगा बाकी पूरा माँ का फर्जन और रद्दन माँ का वन सिक्स होता है बाई डिफॉल्ट लेकिन अगर और बच जाता है और लेने वाला कोई और ना हो तो रिटर्न आता है माँ को तो छठा प्लस रिमेनिंग पूरा माँ को और इसका फिक्स अमाउंट है बीवी का चौथाई मिलेगा उससे ज्यादा नहीं यानी चौथाई देने के बाद और माँ का छठा देने के बाद जो बच रहा है माँ के पास जाएगा समन्या? ऐसे ही बहन का मसला है तो माँ और बहन इन लोगों की देखभाल और इन लोगों का जो हक है शौहर के माल में बाज हालात में वो बीवी से कहीं ज़्यादा है और ये मिसाल में दे रहा था अगर बच्चे नहीं है तो अगर बच्चे हैं तो बीवी का हिस्सा आठवां है शौहर की जायदाद में बीवी का आठवां हिस्सा और ये सबसे छोटा अमाउंट है विरासत में जो किसी के लिए अल्लाह ने तय किया आठवां आठवें के बाद जितना भी हिस्सा कुरान ने बताया किसी का वो सब आठवें से बड़ा है जैसे चौथाई बताया है वो आठवें से बड़ा है छठा बताया है वो आठवें से बड़ा है दो तिहाई वो आठवें से बड़ा है तिहाई वो आठवें से बड़ा है निसफ वो आठवें से बड़ा है तो बीवी का चौथाई मिलता है और अक्सर हालतों में आठवां मिलता है ये सबसे छोटा अमाउंट है ये मरने के बाद ये शौहर के माल में ये हिस्सा होता है बीवी का लेकिन बीवी क्या समझती है शौहर का सब कुछ मेरा यानी जिंदगी में भी मरने के बाद भी सब कुछ मेरा ये बहुत गलत बात है इसलिए शौहर की वालिदा पर कोई आफत आई है और बेटा उसे अपने पास रखना चाहता है बीवी को कोई हक नहीं कि उसे भगा दे बहुत बड़ी मुजरिम है अगर वो भगा रही है तो वैसे मैं नहीं कहता कि किसी औरत ने भगाया है हो सकता है उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ आमतौर से ऐसा होता नहीं है ऐसे भी कुछ लोग हैं लेकिन कम है आदमी जब तहकीक करने जाता है तो बात ऐसी निकलती नहीं मैं ऐसे कई वाक्यात देख चुका हूँ कई वाक़त ऐसे देख चुका हूँ कि किसी बहू पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने तो अपने शौहर की माँ को भगा दिया नहीं रख रही है लेकिन जब अंदर जाके बातचीत करते हैं लोगों से मुलाकात होती है और दोनों सामने बैठा के बात करते हैं तो पता चलता है ये सब इल्जाम थे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते तो अल्लाह अल्लाहम क्या सच्चाई है मैं असल आपके केस में जवाब नहीं दे रहा हूँ ओसूली बातें आपको बता रहा हूँ कि माँ को ज़रूरत है तो बेटे के घर पर रह सकती है बेटे का फर्ज होगा कि उसकी देखभाल करे और बीवी भी सपोर्ट करे बीवी भगाएगी नहीं बल्कि बीवी भी शौहर के साथ मदद करेगी जैसा कि मैंने हदीस आपके सामने पेश की उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमत वा व वरक़ शेख मैं अगर कोट से बात करता हूँ कमलवा शाह मेरा नाम है शेख मैं मेरे दो लड़के एक लड़का और मैं मेरी बीवी है अब जो हमारा घरदारो जो जगह है पूरा वे मिला पूरा मिला करके साठ लाख रूपये होगा अब बेटी की शादी करना चाहता हूँ बेटी के हिसाब से कितना दे सकता हूँ उसमें से वो जो साठ लाख रहना उसमें से निकाल करके बेटी के लिए कितना दे सकता हूँ थोड़ा मेरे को खुलासा से तो समझा दो अस्सलाम असला तो वरक ये हमारे एक भाई साहब हैं ये कहते हैं कि मेरी दो लड़की है एक लड़का है बीवी है हो सकता है इनकी माँ भी हो जिक्र नहीं किया है तो ये कहते हैं कि मेरे पास सात लाख या साठ ऐसा कुछ कह रहे हैं सही से मैं सुन नहीं सका कि ये सात कह रहे हैं या साठ हैं जो, जो भी हो ये पूछना चाहते हैं कि बेटी की शादी करना है तो उसमें से मैं कितना दे सकता हूँ तो देखिए अगर आप अपनी जीते जी अपनी जिंदगी में बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उसकी शादी में जितना कुछ लग सकता है आप लगा सकते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है आप जिंदा हैं आपका माल आपका है आप जितना चाहें खर्चा कर सकते हैं कोई शख्स आपका हाथ नहीं पकड़ सकता अगर आप अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए कोई ज़रूरत है उनको और उस जरूरत पर ख़र्चा करना चाहते हैं तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता जितना चाहे अपने ऊपर खर्चा करें अपने बीवी के ऊपर खर्चा करें अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करें उसमें जितना चाहें आपकी अगर मर्जी की बात देखें जवाज़ की बात देखें तो जितना चाहें खर्चा कर सकता है हाँ बस ये है सही बुखारी वगैरह की जो रवायत है नौमान बशर रजी से कि अगर आप औलाद में देना चाहते हैं पैसा बगैर किसी ज़रूरत के ऐसे ही तो आपको इंसाफ करना होगा नहीं सबको बराबर बराबर देना होगा चाहे बेटा हो चाहे बेटी सबको बराबर देना होगा अगर एक बेटी को आप पांच लाख दे रहे हैं तो दूसरी बेटी को भी पांच लाख और बेटी को भी पांच लाख देना होगा बिल्कुल बराबर बेटी का कम नहीं कर सकते तो जिंदगी में अगर कोई बाप अपनी औलाद को कुछ देना चाहता है तो बराबर देगा लेकिन देने से मतलब गिफ्ट तोहफा हेबा नफका नहीं जरूरत पर नहीं जैसे किसी बेटी की तबीयत खराब होगी उसके इलाज में दो तीन लाख लग रहा अब बेटे ने दे दिया तो अब दूसरे बच्चे नहीं कहेंगे कि हमको भी दो ना ये उसकी जरूरत ही बेटे ने दे दिया सिर्फ उसका हक था दूसरे लोग इस तरह का पैसा नहीं मांग सकते ऐसे शादी का मसला है एक बेटी की शादी ये बाप की जिम्मेदारी होती है तो बाप किसी बेटी की शादी में जो पैसे खर्च करता है वो फजूल खर्ची नहीं करना चाहता फजूल खर्ची करेगा तब तो सबको देना पड़ेगा उसको यानी बिला वजह कहीं ना कोई जहेज का मुतालबा ना कुछ है बिला वजह अपनी बेटी को इतने सारे सोने दे रहा है कैश दे रहा है वो दे रहा है वो सारी बेटियों को देना पड़ेगा उसको ये अच्छी तरह से ये चीज माइंड कर लें कि एक शख्स अगर अपनी बेटी को शादी के वक्त जरूरी अखराजात के नाम पर नहीं यानी सामने से कोई जहेज का मुतालबा नहीं कुछ भी नहीं ऐसे ही लाद रहा है एक बेटी को तो जो कुछ एक बेटी को दिया है वो न सिर्फ एक दूसरी बेटियों को देना पड़ेगा बल्कि दूसरे बेटों को भी देना पड़ेगा क्योंकि ये हदिये में आ जाता है गिफ्ट में आ जाता है बस ये कि शादी के मौके से उसने गिफ्ट किया लेकिन यह है कि कहीं जहेज की मांग है बिला वजह बेचारा फंसा हुआ है वो नहीं देना चाहता था लेकिन अगर ना दे तो बेटी की शादी ही नहीं होगी तो ये चीज़ नफका है ये मजबूरी है अब वहां कुछ दे दिया किसी एक बेटी को तो दूसरी बेटी सवाल नहीं कर सकती दूसरा बेटा भी सवाल नहीं कर सकता अगर बाप मजबूर था अपने खुशी से नहीं दिया है बल्कि सामने से डिमांड थी अगर वो नहीं पूरी करता तो उसकी बेटी की शादी ही नहीं होती दूसरे अल्फाज में कह लें कि उसने रिश्वत दिया है अगर ये रिश्वत अदा ना करता तो उसकी बेटी का रिश्ता नहीं लगता तो इस तरह की अगर शक्ल है तो जो कुछ खर्च किया है वो सिर्फ उसी के लिए खर्च कर रहा है तो कोई मसला नहीं दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि लड़की के लिए मैं कितना खर्च कर सकता हूं तो अगर लड़की की शादी में कोई दिक्कत है तो आप जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं दस लाख खर्चा कर दीजिए कोई मसला नहीं आप अगर खर्चा करना चाहते हैं कोई दिक्कत है कोई मसला है एक जायज रिश्ता है सही रिश्ता है अब कोई फालतू किस्म के लोग वहां जहेज की डिमांड कर रहे हैं और आप लगता है कहीं और शादी नहीं हो सकती है मुनासिब जगह पे तो आपको अगर पैसा खर्चा करना है तो आप कर देती है कोई मसला नहीं हाँ वो गुनाहगार होगा सामने वाला गुनहगार होगा जो आपको मजबूर किया पैसा खर्चा इसका हुक्म रिश्वत का होगा और जब तक वापस नहीं करेगा के दिन उसे देना पड़ेगा तो इस तरह से अगर अपनी बेटी की शादी में आप पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए कोई मसला नहीं लेकिन अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबको देना पड़ेगा बहरह खुलासे कि जिंदगी में आपका पैसा आपका है उसको विरासत न सोचिए विरासत आपके मरने के बाद होगी मरने के बाद यह होगा कि बेटी को कितना मिलेगा बेटे को जिंदगी में आप अपनी विरासत नहीं बांट सकते जिंदगी में आप अपना माल बांट सकते हैं लेकिन उसका नाम विरासत नहीं है हदिया है गिफ्ट है। और वो बराबर बराबर बांटना पड़ेगा सारे बच्चों को तो जिंदगी में विरासत नहीं बढ़ती है, हदिया होता है हदिया आपकी मर्जी है जितना चाहे दे, दे लेकिन हदिया के अलावा अगर खर्चा कर रहे हैं तो फिर वो सबको देना जरूरी नहीं है उम्मीद है कि बात आपके लिए बात होगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकम वरक शेख लड़की के रिश्ते के लिए लड़की की फ़ोटो लड़के वालों को भेजी जा सकती है लड़की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दा करती है और उसके ऐतराज करने पर फोटो ना भेजने की वजह से लड़की का रिश्ता नहीं हो पा रहा है और लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है इस मसले पर शरीय का हुक्म क्या है एक भाई साहब ने पूछा है कि लड़के वाले के पास लड़की का फोटो भेजा जा सकता है शादी से पहले तो देखिए इसके दो पहलू हैं आपने जो कहा ना कि इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है और उम्र बढ़ती जा रही है तो इस मामले के दो पहलू हैं दो पहलू हैं बल्कि ये कह लीजिए कि तीन पहलू हैं एक पहलू तो ये है कि कुछ लोग दलाल हैं जिन्होंने शादी कराना अपना कारोबार बना लिया है तो वो बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो इकट्ठा करते हैं और वो जाके जैसे मार्केट में गए हों किसी बाज़ार में गए हों दिखाते हैं सबको ये लोग ये बहुत गलत तरीका है बहुत ही गंदा तरीका है जो लोग भी ये कारोबार कर रहे हैं उनको तर्क कर देना चाहिए कारोबार आप ये करें शादियां लगाएं उसकी पैसे भी लें मसला नहीं लेकिन ये कि किसी की बेटी किसी की बहन की फ़ोटो लेके आप घूमें सबको दिखाते फिरें तो ये दुरुस्त नहीं है ये ठीक नहीं है तो ये मामले का एक पहलू है दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोग मजबूर करते हैं लड़के वाले कि नहीं आप जो है फ़ोटो दिखाएं और कभी बेचारा मजबूरी में फोटो देता यह भी गलत है दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप फोटो दे आपको देखना जाके देख लीजिए घर पे जाके देख लीजिए फेस टू फेस बैठ के देख लीजिए लेकिन यह क्या बात हुई कि आपको फोटो चाहिए तो ये दूसरा पहलू है तीसरा पहलू ये है कि कुछ लड़कियाँ यानी खुद सामने नहीं बैठना चाहती हैं यानी उनके घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि शोर आके देखे बल्कि वो फोटो ही में दिखाना चाहते हैं क्योंकि बगैर फोटो के वो अच्छा दिखती नहीं है तो एक तरह से तदलीस होती है कि हकीकत कुछ हो और दिखाया कुछ जाता है तो ये भी एक पहलू है इस मामले का कि कुछ घराने में जानबूझकर फोटो ही दिया जाता है ताकि सामने वाला धोखे में रहे असलियत कुछ है और दिखता कुछ है कितने लोग तो फोटो को एडिट करते हैं तो एडिट करके फ़ोटो भेजते हैं तो ये भी गलत तरीका है तो फोटो देने की जितनी भी शक्लें हैं सबकी सब गलत है उसका जो भी मुहर्रिक हो जो भी हो जाए सब गलत है सही बात यह है कि अगर लड़का लड़की को देखना चाहता है तो जाए उसके घर पे सामने बैठ के देखे ये तरीका होता है लेकिन फोटो मांगना या लड़की वालों का फोटो देना ये गलत है। और इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है याद रहे कि वो लड़की अगर इस लायक नहीं कि ज़्यादा लोग उसे पसंद करें तो पता नहीं वो तस्वीर कहाँ कहाँ जाएगी यानी यहाँ भेजे उसने भी रिजेक्ट किया इसको भेजे उसने भी रिजेक्ट किया इधर भेजे उसने भी रिजेक्ट किया तो कहाँ कहाँ फ़ोटो बांटते फिरेंगे तो ये गलत तरीका है फोटो नहीं जो है बांटना चाहिए और फिर उस फोटो के साथ छेड़खानी हो सकती है कोई फेसबुक पर पे डाल दे कोई सोशल मीडिया पर इधर उधर डाल दे इधर उधर वायरल कर दे ये बेपर्दगी ये भी गलत बात है तो इसलिए शादी ब्याह में फ़ोटो तो नहीं देना चाहिए लड़के का फोटो दे दे चल जाएगा लड़की का फोटो तो नहीं देना चाहिए कतअअन नहीं देना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको दिखाना नहीं चाहिए उसको दिखाना चाहिए अगर लड़का कहता है फ़ोटो चाहिए तो लड़के को बुलाएं बुलाएं आप दिखाएं या बाप लड़की को खुद लेके जाए और उसको दिखाए या कोई ऐसा ऐप हो सिक्योर ऐप हो चलो और बहुत ज्यादा एतम वहां पर कोई आदमी बैठा हुआ हो घर का आदमी मिसाल के तौर पर दिल्ली में लड़की है और यहाँ लड़की का भाई है तो चलो ऑनलाइन दिखा दे उसको या भाई के पास फोटो वो दिखा के फिर रख ले ये भी तरीका हो सकता है नहीं एक तरीका ही निकाला जा सकता है कि ऑनलाइन यहाँ पे कोई भाई है वो दिखा सकता है ऑनलाइन बात करा सकता है या फोटो ही है तो चलो दिखा सकता है दिखा दे सुबह रख ले। लेकिन उसके हवाले कर देना लड़के के हवाले कर देना लड़के का मुतालबा करना यह ठीक नहीं है उसके हाथ में फ़ोटो नहीं देना चाहिए उम्मीद दे है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं कुछ तहरीरी सवाल हैं उनको देख लेते हैं एक सवाल है कि दुबई में चार पाँच महीने के हमल जेंडर पता करना अलाउड है क्या यह पता करना गलत है सवाल यह है भाई साहब का कि दुबई वगैरह में किसी मुल्क में क़ानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश है इजाजत है कि औरत के पेट में बच्चा है लड़का है लड़की है पता कर सकते हैं तो क्या है पता करना दुरुस्त तो देखिए अगर ऐसे ही कोई मालूम करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है मालूम कर सकता है कोई मवानिय तो नहीं है लेकिन अगर ये है कि लड़की होगी तो मार देंगे लड़का होगा तो बाकी रखेंगे इस तरह का नीयत है तो, तो बिल्कुल नाजायज और हराम है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में तो इसीलिए बैन है मना किया गया है कि नहीं मालूम कर सकते क्योंकि लड़की होती है तो मार डालते हैं यही वजह है कि हिंदुस्तान में लड़कियों की पैदाइश लड़कों की बनस्बत कम है क्योंकि मार डालते हैं उनको तो, और दूसरे मुल्कों में चूँकि वहाँ ऐसा मसला नहीं वहाँ लड़कियों की शादी होने में कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ शादी का मसला होता है असल मसला क्या है शादी का शादी और जहेज ये सब जो मसला है इसकी वजह से आदमी लड़की की पैदाइश को बहुत समझता है लेकिन दूसरे ममालिक में चूँकि लड़की की पैदाइश पर बाप पर कोई बोझ नहीं आता है इसलिए बाप उसको मारने की भी फिक्र में नहीं होता हाँ किसी ज़माने में अरबों में जो है गैरत वगैरह की वजह से मारते थे वो जमाना गया लेकिन अभी ऐसा मसला नहीं है तो अगर किसी की नीयत उसको मारने की कत्ल करने की ना हो तो देख सकता है लेकिन अगर उसकी नीयत खराब हो तो उसको नहीं देखना चाहिए उम्मीद तो देख है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं एक और सवाल है कि सांस की बीमारी में क्या कंधे से गुस्से जनामत ले सकते हैं ज़्यादा दिन सर से नहाने पर नाक बंद हो जाएगी ये कोई बहुत बड़ा उधर नहीं लगता है कि गुस्से जनामत पे हम यहाँ से नहाएंगे अगर कोई डॉक्टर वाकई कहता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है तो ठीक है वरना ये उसका हल नहीं है आदमी पानी गर्म वगैरह करके नहाए तो गुस्से जहामत में सर से भी नहाया जा सकता है कोई नस्खा नहीं लेकिन अगर कोई डॉक्टर कहता है कि नुकसानदेह है अगर वाकई कोई डॉक्टर कहता है कि सर से नहाएंगे तो आपके लिए खतरा है कोई बड़ी बीमारी हो सकती है कोई बड़ी दुशारी आ सकती है तो आ, उसके लिए गुंजाइश है कि मसा कर ले और बाकी वो नहाए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाएगा नाजरिन वक्त तो हो चुका है यहीं पर हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाजें करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख लेकिन याद रखें जो सवाल वीडियो या ऑडियो में मिलते हैं हम जवाब के लिए पहले सुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें आपका सवाल मुख्तर हो आपका सवाल बामकसद हो आप सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीजों का ख्याल करते अगर आपके सवाल हम तो तक आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जवाब आप तक पहुँचाए इसी के साथ दीजिए इजाजत इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल तो उनके जवाब के साथ वरक दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें